हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग अ डायमीटर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें जो ये फिगर दी गई है, हमें इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है। और इस फिगर में एक तो ये सेमी सर्कल है और ये डायमीटर है, और इस डायमीटर की लेंथ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको ये समझाया था स्टूडेंट्स कि अगर हमें इस तरह की फिगर दी जाती है और इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो एक तो हम इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे और उसमें हम इस डायमीटर की लेंथ को ऐड कर देंगे, जिससे हमें इस फिगर का पेरीमीटर पता चल जाएगा। क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है किसी फिगर की बाउंड्रीज का सम, उसकी बाउंड्रीज की लेंथ। तो यहां पर हम लिखेंगे डी यानी डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो यहां पर हम लिखेंगे आर यानी रेडियस इज इक्वल टू 10/2। 10/2 को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 1 जा 2, और यहां पर देखिए 2 5 जा 10, तो यहां पर हमें मिला 5, तो यहां पर हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें मिल गई है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द फिगर यानी इस फिगर का पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। तो इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे डायमीटर को। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब ये किसका फॉर्मूला है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस का। लेकिन हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड नहीं करना है, हमें तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो हम 2πr को 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि यहां पर सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा? πr। तो सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? πr। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की जगह यहां पर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे πr। ये प्लस का साइन एज इट इज आएगा और ये डायमीटर यानी कि डी भी यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर हम 22 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 110। तो यहां न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 110, अपॉन में ये 7 है, अपॉन में ये 7 एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस और ये 10 यहां पर एज इट इज आ जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। यहां डिनोमिनेटर में 7 है, 10 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 10 के नीचे 1 है। 7 और 1 का एलसीएम 7 आ जाएगा। अब आप इस 7 यानी इस एलसीएम को डिवाइड कीजिए इस डिनोमिनेटर 7 से। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस न्यूमरेटर यानी 110 से, और जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से तो आपको मिलेगा 110। तो यहां पर आप लिखेंगे 110, ये प्लस का साइन यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब इस 7 यानी एलसीएम को डिवाइड कीजिए इस डिनोमिनेटर यानी 1 से। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर 10 से, 7 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 70, तो यहां पर आप लिखेंगे 70। अब जब आप 110 और 70 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 180 आप यहां न्यूमरेटर में लिखेंगे, अपॉन में ये 7 है तो अपॉन में ये 7 एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर हमें मिल गया है 180/7। अगर हम चाहे तो इस आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं क्योंकि 187 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में डेसिमल में आंसर दिया गया है यानी कि 180 को 7 से डिवाइड करके दिखाया गया है। तो जब हम 180 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा 25.71। तो यहां पर हम लिखेंगे 25.71 सेंटीमीटर, और यहां पर हम लिखेंगे अप्रोक्स यानी कि ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर है। अब देखिए स्टूडेंट्स के 180 को 7 से कैसे डिवाइड करेंगे। 7 2 जा 14, 18 में से 14 माइनस करेंगे 4 बचेगा, ये 0 यहां पर आ जाएगा, अब ये 40 बन गया। 7 5 जा 35,
40 में से 35 माइनस करेंगे, 5 बचेगा। अब ये 5 इस 7 से छोटा है, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये 50 बन गया, 7 7 जा 49, 50 में से 49 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये डेसिमल है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम इस कैलकुलेशन को यहीं पर रोक देंगे। तो जब हमने 180 को डिवाइड किया 7 से, तो हमें मिला 25.71। तो इस फिगर का पेरीमीटर हमें मिल गया है 25.71 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।